हम YouTube पर अकाउंट सिक्योरिटी या अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने गंभीरता से लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको अपना चैनल सुरक्षित रखने से जुड़ी कुछ टिप्स देंगे। हमारी सलाह है कि अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए आप ये चार आसान तरीके अपनाएंगे। सबसे पहले अकाउंट के लिए दो चरणों में पुष्टि की सुविधा चालू करें। इसके बाद अपने चैनल की अनुमतियों सेट करें और उन्हें समय समय पर चेक करें। फिर एक मजबूत पासवर्ड चुने और उसे किसी के साथ शेयर न करें। किसी भी तरह की स्कैम से बचे और किसी ऐसी गतिविधि को शक होने पर उसको रिपोर्ट करें। दो चरणों में पुष्टि की सुविधा इस्तेमाल करके अकाउंट को हैकर से सुरक्षित रखा जा सकता है, भले ही उन्हें आपके पासवर्ड या आपकी लॉगिन जानकारी पता चले हो। इस सुविधा को चालू करने के लिए myaccount.google.com/security पर जाइए। वहां जाकर दो चरणों में पुष्टि पर क्लिक करें और शुरू करें पर जाइए। पुष्टि करने का दूसरा तरीका चुने। यह तरीका गूगल प्रॉम्प्ट्स, मैसेज, कॉल, सुरक्षा कुंजी या बैकअप कोड में से कोई भी एक हो सकता है। अपने हिसाब से बैकअप का विकल्प चुन लेने के बाद चालू करें पर क्लिक करें। इस तरह दो चरणों में पुष्टि करने की सुविधा चालू हो जाएगी। बैकअप के एक से ज्यादा विकल्प भी चुने जा सकते हैं, ताकि पहला विकल्प उपलब्ध न होने पर भी आप अपने अकाउंट में साइन इन कर सके। दो चरणों में पुष्टि की सुविधा वाले पेज पर आपको ये विकल्प मिलेंगे। बैकअप कोड एक बार इस्तेमाल होने वाले ऐसे पासवर्ड होते हैं जिन्हें प्रिंट किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल फोन से दूर रहने पर, जैसे यात्रा के दौरान, किया जा सकता है। गूगल प्रॉम्प्ट्स सुरक्षित तरीके से उन सभी फोन पर भेजा जाता है जिन पर आपने साइन इन किया हो। पुष्टि करके साइन इन करने के लिए बस सूचना पर टैप करें। ऑफलाइन रहते हुए भी आप अपने फोन पर वेरिफिकेशन कोड पाने के लिए पुष्टि करने वाले ऑथेंटिकेटर ऐप को इस्तेमाल करें। यह एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए उपलब्ध है। आप बैकअप फोन भी जोड़ सकते हैं। इससे फोन खो जाने पर भी अकाउंट में साइन इन किया जा सकता है। इनके अलावा सुरक्षा कुंजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आपके फोन में सुरक्षा कुंजी पहले से मौजूद हो सकती है। इसे कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ये कंप्यूटर के USB पोर्ट में सीधा लगाया जा सकता है। कृपया ध्यान रखें कि 1 नवंबर 2021 से कमाई करने वाले सभी क्रिएटर्स को अपने YouTube चैनल के Google अकाउंट में दो चरणों में पुष्टि करने की सुविधा चालू करनी होगी। ऐसे करने के बाद ही वे YouTube स्टूडियो या YouTube स्टूडियो कंटेंट मैनेजर का इस्तेमाल कर पाएंगे। कई लोगों को अपना YouTube चैनल मैनेज करने का अधिकार देने के लिए चैनल परमिशंस का इस्तेमाल कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति को अपना चैनल मैनेज करने के ये फायदे होते हैं। आपको किसी को अपना पासवर्ड या गूगल अकाउंट का एक्सेस नहीं देना पड़ेगा, जो ज्यादा सुरक्षित है। इस तरह लोगों को अलग अलग लेवल के एक्सेस देखकर जिम्मेदारी तय की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को जब चाहे तब एक्सेस दिया या हटाया जा सकता है। सुरक्षित रखने के लिए अपनी अनुमतियों को समय समय पर चेक कीजिए। इसके अलावा किसी भी अनजान या ऐसे व्यक्ति का एक्सेस हटाइए जिसे पास अनुमति नहीं होनी चाहिए। दूसरों को अलग अलग लेवल के कौन से एक्सेस दिए जाने के लिए अधिक जानकारी पाने के लिए नीचे दिए सहायता केंद्र का लेख देखिए। ऐसा पासवर्ड बनाइए जो मजबूत हो और जिसका कोई आसानी से अंदाजा न लगा सके। इस तरह आपके लॉगिन की जानकारी को हैकर से सुरक्षित रखा जा सकता है। मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए यह कुछ टिप्स है। आपके पासवर्ड में 8 से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए। अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों, यानी कि अपर और लोअर केस लेटर्स, अंकों और सिंबल्स के मिल जुलाकर इस्तेमाल कीजिए। निजी जानकारी जैसे आपका जन्मदिन और आम शब्द या पैटर्न्स जैसे पासवर्ड 123 को इस्तेमाल न करें। याद रखें, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें या किसी के आसपास रहने पर लॉगिन मत कीजिए। हैकर्स पहचान बदलकर आपकी जान पहचान का व्यक्ति होने का दावा करके आपसे निजी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिशिंग ईमेल के पहचान करने के लिए यह कुछ तरीके हैं। टाइपिंग की गलतियां, यानी कि टाइपोस के लिए खोजें। ईमेल भेजने वाले का पता देखें। YouTube के ईमेल सिर्फ @youtube.com या @google.com से ही भेजे जाते हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे देख ले। किसी भी तरह का शक होने पर YouTube स्टूडियो में जाकर देखें कि वहां दी गई जानकारी और आपको ईमेल की मिली जानकारी एक जैसी है या नहीं। उदाहरण के लिए किसी वीडियो पर किए गए दावा या क्लेम को देखना।
अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट हाईजैक हुआ है तो शिकायत करने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाइए। हम आपके चैनल को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने YouTube चैनल को सुरक्षित रखने के बारे में और ज्यादा जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाइए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।